सबसे पहले तो हमें जो हम सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाया है वो नहीं मिलता है। दूसरा, दिल्ली में इतनी महंगाई है, उस हिसाब से दिल्ली का जो वेतन होना चाहिए वो 20,000 होना चाहिए। छः हज़ार पर काम करवा रहे हैं आप लोग, 15,000 के वेतन हुआ है, किसी भाइयों को मिल रहा है, पूछो किसी को भी नहीं मिल रहा है। 15,000 तो अभी 9-10 सालों को अभी तक 15,000 रुपये देखे नहीं है, साथ कैसे होते हैं, 9,000 से ज़्यादा तनख्वाह देते नहीं है वो। पाँच महीने हो गए अभी आज तक एक भी रुपए घर पे नहीं भेज पाया, पैसे बचते नहीं है, लास्ट होते होते ख़त्म हो जाते हैं पूरे पैसे। जो यहाँ के प्रधान है, यहाँ के प्रधान उनके पास काम करता हूँ, 32 साल हो गए, तनख्वाह क्या 12,660 रुपये 32 साल में। ये सह करता है, स्लिप मिलती है कि क्या कर सकता है, और 3-4 बारी में रिटायर कर दिया फिर रख रहा है, उसका बैलेंस मिलेगा मेरे को? 4 बार रिटायर कर दिया, पी एफ निकाल दिया, सर भी देगा मेरे को? कोई आदमी की अहमियत नहीं है ये बताइए, आदमी की अहमियत होनी चाहिए ना। 4,000 रुपये क्या है बताइए, आदमी क्या खाएगा, क्या बच्चों को देगा?